हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन। रिलेशन के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, सेट पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ा है, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। बट 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, जो इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं और उसके ऊपर जो सम बनते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में जैसे सपोज हमारे कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं ए और बी। ए हमें दिया हुआ है 1,2, बी दिया हुआ है 3,4। हमें दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसमें गिवन होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सेट हमें एम्प्टी सेट दिया हो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे। अब इसके बाद में जो ए बी होगा, इसका जो ऑर्डर पेयर होगा ए बी होगा, उसमें ए बिलोंग करेगा ए सेट को और बी बिलोंग करेगा बी सेट को। अगर ए ए सेट को बिलोंग कर रहा है, जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, ए बी बनना है, उसके बाद ए ए सेट को बिलोंग करेगा और बी बी सेट को बिलोंग करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम जैसे ए का मल्टीप्लाई बी में कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ए क्रॉस बी निकाला 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। इसका हम कोई भी ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। जैसे मैंने 1,4 लिया तो देखिए ए बिलोंग कर रहा है ए को, तो 1 बिलोंग करेगा ए को। देखो 1 ए को बिलोंग कर रहा है ना, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग कर रहा है, ए बी से बिलोंग कर रहा है, ए ए को बिलोंग कर रहा है, बी बी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से आ रहा है। और 4 बिलोंग करेगा बी को, 4 देखो हमारा बी से बिलोंग कर रहा है। अब इसी की तरह हम लोग बात करते हैं हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। डोमेन, डोमेन में सेम हमें लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी। एक सेट ए से बी की तरफ कोई भी रिलेशन दिया हुआ है और वो रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर हमें दिया हुआ हो y इक्वल एक्स प्लस 1 एंड x बिलोंग्स टू 1,2,3। तो देखिए हमने देखो x की जगह पर 1 लिया तो 1 प्लस 1 बाई कितना आएगा 2, 2 लेंगे तो y कितना आएगा 2 प्लस 1 3, और 3 लेंगे x की वैल्यू तो 3 प्लस 1 4, 1 2 3। इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी बिलोंग कर रही हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमें ये भी दिया हुआ है साथ के साथ y बिलोंग कर रहा है, y हमारा बिलोंग कर रहा है 2, 3, 4, 5 से, ये भी हमें गिवन है, तो y की वैल्यू हम लोग 2, 3, 4, 5 ही पूरी वैल्यू लेंगे। अब जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट के सेट होंगे, या फिर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी बना सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू 1 लो तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अगर हम 2 लेंगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, एंड 3 लेंगे 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। अब हमारे फर्स्ट कंपोनेंट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे उसके डोमेन होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हरे हमारे डोमेन होंगे, और सेकंड एलिमेंट के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे रेंज होंगे। बट सेकेंड कंपोनेंट के सारे एलिमेंट रेंज होते हैं, बट वो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हो रही होती है, तो सेकेंड सेट में जो मैपिंग हो रही है वो 2, 3, 4 की हो रही है, तो जो रेंज होगी वो हमारी 2, 3, 4 होगी। सेकेंड सेट में जो मैपिंग हो रही है वो 2, 3, 4 में हो रही है, तो जो हमारी रेंज होगी वो होगी 2, 3, 4, और जो डोमेन होगा वो होगा हमारा 1, 2, 3। बट कोडोमेन क्या होता है,
ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन होते हैं, हो सकता है कि उनकी मैपिंग हो या फिर नहीं हो, पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन होंगे। 2, 3, 4, 5 आर द कोडोमेन ऑफ सेट। अब डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन अ रिलेशन। तो जैसे सपोज हमें कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं ए और बी, उसके बाद हमने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसके जितने भी सबसेट होंगे, सबसेट कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो हमारा रिलेशन आया था 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये हमारा रिलेशन आया। अब इसके सबसेट 1, 3 हो सकता है, या फिर 1, 3, 1, 4 हो सकता है, या फिर ये तीनों भी हो सकते हैं, कोई भी सिंगल एलिमेंट हो सकता है, कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, हो सकता है ये सारे एलिमेंट हो, बट कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इन एलिमेंट्स के अलग आएगा। तो इसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ रिलेशन, सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसी का भी हम सबसेट लेते हैं तो इसके कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, चाहो तो एक एलिमेंट, चाहो तो सारे एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट हो वो इसके हमारे सबसेट होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमें कभी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं 2 की पावर mn फॉर्मूला होता है। इससे हम लोग निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे कितने निकलते हैं, और जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकलेंगे उतने ही हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल कर आते हैं। अगर किसी रिलेशन में, अगर कोई भी रिलेशन हमारा बॉयड रिलेशन है, बॉयड रिलेशन अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और यूनिवर्सल है, कोई भी रिलेशन हमारा यूनिवर्सल और बॉयड रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को हम ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको देखिए। जैसे हमें कोई भी दिया हुआ है ए और बी, कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, आर उसका कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो उसका इनवर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे ए बी हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो अगर मैं इसका डोमेन और रेंज दोनों इंटरचेंज कर दूं तो बी ए रिलेशन बिलोंग करेगा इनवर्स ऑफ रिलेशन को। अब देखिए जैसे 1, 3 और 1, 4 था, 2, 3 और 2, 4 है, अगर मैं इसका इनवर्स रिलेशन निकालूंगा तो ये 3, 4, 1, 3, 2 एंड 4, 2। इनवर्स ऑफ रिलेशन में जो हमारा डोमेन होगा वो डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल होगा रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद रेंज ऑफ रिलेशन इक्वल होता है डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन की। देखिए इसमें डोमेन क्या है हमारा 1, 2, रेंज क्या है 3, 4, बट इनवर्स में जो डोमेन होगा वो 3 और 4 होगा और रेंज होगा वो 1 और 2 होगा, यानी कि डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 12th का टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में
टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले बॉयड रिलेशन। हाँ, बॉयड रिलेशन। बॉयड रिलेशन के लिए आप लोग बस एक चीज ध्यान रखना, फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर हम किसी में ए क्रॉस ए निकालते हैं तो उसका सबसेट होगा फाई। देखिए कैसे, सपोज हमें दिया हुआ है ए इक्वल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और हमने बोला ए माइनस बी इक्वल 20। अब आप लोग एक बात बताइए कि कोई भी एलिमेंट हमारा ए क्रॉस ए निकाल लेंगे हम लोग, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5 ऐसे ही 4 से ऐसे ही 5 से सारे एलिमेंट। तो ए क्रॉस ए निकालने पर क्या कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि ए माइनस बी करने पर हमारा 20 आ जाए? सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। अगर मैं 5 में से 1 माइनस करूंगा तो 4 आएगा। कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा जिसमें ए माइनस बी करने पर 20 आ जाए, तो ये रिलेशन हमारा बॉयड रिलेशन होता है। बॉयड रिलेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में, यूनिवर्सल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ए क्रॉस ए सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। मतलब जितने भी एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस ए में तो उसके सबसेट में भी सारे एलिमेंट आ जाए, जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के आ जाए हमारे, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ए बिलोंग कर रहा है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 से, ठीक है। हमें जो रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमने सपोज इसके हम कम एलिमेंट ले लेते हैं, चलो अब मैंने ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए निकालूंगा 1, 1, 1, 2, 1, 3। ए क्रॉस ए का मतलब यही है कि हम ए का मल्टीप्लाई ए में कर रहे हैं, तो 1 लिया तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2 से करेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3। अब हम लोग 3 लेंगे 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये हमने सारे रिलेशन इसके लिख लिए। अब अगर हमें कोई रिलेशन ऐसा बोला जाए कि जिसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएं, जैसे मैंने बोला a माइनस बी मॉडुलस या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। अगर हम कोई भी दो नंबर्स को माइनस करते हैं और मॉडुलस में होता है तो पहली बात उसका रिजल्ट प्लस में आता है। जैसे 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 इसको बिलोंग कर रहा है। 2 माइनस 1 करेंगे प्लस 1 आएगा, प्लस 1 इसको बिलोंग कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आ सकती है। 3 माइनस 2, अब 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1 आएगा बट मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि सारे वैल्यू जितने भी रिजल्ट आपके आ रहे हैं वो सारे इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम लोग देखते हैं जिसका हमें सबसे ज्यादा यूज करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा सा टफ है बट अगर हम लोग ध्यान से सीखेंगे तो बहुत आसानी सीख जाएंगे। ए कॉमा ए बिलोंग रिलेशन करेगा तो ऐसा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सपोज मैंने लिख लिया ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1, 2, 3 और ए क्रॉस ए निकालने पर आ रहा है 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये हमारा ए क्रॉस ए आ रहा है। अब देखिए अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो ऐसा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखिए जैसे ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ये दी हुई है, अगर जैसे हमारा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 एंड 1, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को,
तो देखिए ए हमें इससे मतलब है कि ए ए हमारा रिलेशन में आना चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी एलिमेंट आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 1,1 आ रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। 2,2 भी इसमें है, बिलोंग कर रहा है। 3,3 भी बिलोंग कर रहा है। 1,3 रिलेशन का ही है, कोई अलग पार्ट तो नहीं है, 1,3 भी रिलेशन का ही पार्ट है। बट ये तीन आने बहुत जरूरी हैं। अगर ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं और इनके साथ कोई अलग से एलिमेंट दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हमें बोला जाएगा ए कॉमा ए सच डैट ए बिलोंग द ए, इसमें ए बिलोंग कर रहा होगा हर बार। जैसे अब हमें देखो कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हमें दिया हुआ है 1,1, 2,2, 3,3 एंड 3,1। इसमें क्या होता है, ये अलग का एलिमेंट नहीं आ सकता। जैसे इसमें 1,3 था तो हमने बोल दिया ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। बट आइडेंटिटी रिलेशन में खाली ये तीन रिलेशन ही आएंगे तब हमारा रिलेशन आइडेंटिटी होगा। अगर इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा तो वो रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर कभी हमें रिलेशन दिया हुआ है 1,1, 2,2 बिलोंग द रिलेशन ऐसा लिखा हुआ है तो ये रिलेशन ना तो आइडेंटिटी होगा ना ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि 3,3 डज नॉट बिलोंग द रिलेशन। इसमें 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 1,3, 2,3 कुछ भी एलिमेंट अलग से आ जाए कोई मतलब नहीं है, बस ये एलिमेंट आने जरूरी है। आइडेंटिटी में खाली हमारा 1,1, 2,2, 3,3 यही एलिमेंट आएंगे, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो हमारा बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। सपोज किसी रिलेशन में दिया हुआ है 1,2, 2,1 एंड 1,1 बिलोंग द रिलेशन। देखो ए कॉमा बी कर रहा है तो बी कॉमा ए भी कर रहा है, तो 1,1 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1,1 कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक। सपोज किसी में दिया हुआ है 1,2, 2,1, 3,1 दिया हुआ है बट 1,3 डज नॉट बिलोंग द रिलेशन। इसमें 1,3 हमारा रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो 1,3, 3,1 के साथ साथ 1,3 भी आना बहुत जरूरी है। लास्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, अगर हमारा ए कॉमा बी कर रहा है बिलोंग रिलेशन को एंड बी कॉमा सी कर रहा है बिलोंग रिलेशन को तो हमारा ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ऐसा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर कभी रिलेशन में हमें ये गिवन है कि ए कॉमा बी कर रहा है बिलोंग रिलेशन को, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को और उसके बाद ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ऐसा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। देखिए कैसे, जैसे हमें किसी सब में दिया है 1,2, 2,1 एंड 1,4 बिलोंग द रिलेशन। देखो ए कॉमा बी हो गया 1,2, बी कॉमा सी हो गया 2,1। अब इसके बाद 1,1 हमारा अगर बिलोंग कर रहा होता रिलेशन को तो रिलेशन को हम बोलते कैसा होगा, ट्रांजिटिव। बट 1,1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिया 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,2, ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा 1,1 है, 1,2 है तो 1,2 भी इसमें आ रहा है, और भी ले लेते हैं 2,3 भी ले लेते हैं। अब देखो 1,2 है, 2,3 है, तो अब देखो इसको देखा हमने, 2,2 है कोई मतलब नहीं है इससे भी कोई मतलब नहीं है, 1,2 है तो 2,3 है बट इसमें 1,3 नहीं कर रहा है बिलोंग।
अगर 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को, तो ऐसा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सेम होता है सिमेट्रिक रिलेशन के, बस इसमें ए और बी इक्वल होने जरूरी है। जैसे ए कॉमा बी बिलोंग करेगा, बी कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन को, इसके अलावा ए और बी हमारे इक्वल होते हैं, तो ऐसा रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है।